नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 6:30 के बाद से आप सभी के राशि में भगवान श्री राम का अशुभ आशीर्वाद पड़ने वाला है, जिनके कारण दोस्तों आपको 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी दोस्तों, और यह बड़ी खुशखबरी आपको बिल्कुल ही चौंका कर रख देगी, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये खुशखबरी आप सभी के जीवनकाल के लिए, आपके आने वाली भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। और दोस्तों यह खुशखबरी आपके कर्मों का फल है। और दोस्तों यह खुशखबरी आपको कैसे मिलने वाली है, इनके लिए आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी पूरे ही विस्तार से बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमारा अवश्य आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत सारी ऐसी स्थिति आई है, बहुत सारी ऐसा समय आया है जिनमें दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि कभी भी कोई इंसान जिन पर आपने भरोसा किया था, दोस्तों वो इंसान आपको कभी भी साथ नहीं दिए हैं जब आपको उनकी ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप गलती यही करते हैं कि जब भी उनकी बारी आती है तो वो आपको तो धोखा देते ही हैं, लेकिन दोस्तों जब आपकी बारी आती है तो दोस्तों आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दोस्तों अपने हाथों ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपका समय आ चुका है। आज शाम के 6:30 के बाद से आपके घरों की शुभ स्थिति बनने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आपको 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और ये खुशखबरी आपके जीवन काल को बदलने वाली है। परंतु दोस्तों आपको अब कुछ गलतियां नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें से एक गलती यह भी है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं इन्हें आप भूल कर भी मिस ना करें। और दोस्तों सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो दोस्तों हमारा यह दावा रहेगा कि आने वाले समय में आपको किसी बात को लेकर कोई तकलीफ तो नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवनकाल की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों भगवान श्री राम का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल की आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी से, जो दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों ये आपके जीवन से ही जुड़ी है, बहुत ही प्यारा सा ज्ञान है, तो दोस्तों आप बिल्कुल इन्हें ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक बार राधा रानी जी अपनी शकियों के साथ माखन लेकर मानसी गंगा के तट पर आई। मानसी गंगा में बहुत पानी है, सोचने लगी कैसे पार करेंगे मानसी गंगा को। तभी कृष्ण नाविक का भेष बदल कर आ गए और बोले, नाव से पार करा देता हूँ। गोपियों ने कहा, बहुत भला नाविक है। सभी शकियों और राधा रानी नाव पर बैठ गए। श्री कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, आज आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने नाव चलाना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण बोले, मुझे भूख लग रही, कुछ खिलाओ, नहीं तो मैं नाव नहीं चला पाऊंगा, सब डूब जाओगी। शकियों ने अपना सब माखन कृष्ण को दे दिया। कृष्ण सब खा गए, फिर नाव चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बोले, मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दबाओ, तभी मैं नाव चला पाऊंगा। शकियाँ पैर दबाने लगी, बहुत सेवा की, जब बोले, मेरी नाव पुरानी है, वजन ज्यादा है, डूब जाओगी, अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो जल्दी जल्दी। गोपियों ने अपनी मटकियां मानसी गंगा में डाल दी। श्री कृष्ण फिर बोले, अभी भी नाव हिल रही है, डूब जाओगी, अपने गहने भी फेंक दो, नहीं तो डूब जाओगी। सब ने अपने बहुमूल्य गहने भी मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर ठाकुर जी ने नाव चलाई। ललिता जी को उनके वस्त्रों में मुरली दी गई। ललिता जी बोली, अच्छा श्याम सुंदर है ये नाविक, अभी बताते हैं इस नाविक को। जैसे ही किनारा आया सभी शखियां उतर गई। सबने बोला
अपने उतराई तो लेते जाओ नाविक। शब ने बोला, अपनी उतराई तो लेते जाओ नाविक। बहुत हमारे गहने माखन मटकी मानसी गंगा में डलवा कर। तो दोस्तों आज का यह वाणी अगर आपको सच्चा लगा हो, इन पर यकीन हुआ हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। इसी के साथ बात करते हैं आज शाम के 6 बजे के बाद से आप सभी के जुनकाल में आपको कौन सी 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपके कौन कौन से क्षेत्रों में मिलने वाली है, शायद दोस्तों इन्हें पाने के लिए आपको कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, आपका लव लाइफ स्वास्थ्य करियर और धन की स्थिति में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपके घर के माहौल में पारी जोन में आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे ही विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में आपके आत्मविश्वास की सक्षम आपके प्रतिद्वंदी परास्त रहेंगे। बच्चों को प्रतियोगिता संबंधी कार्य में भी अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों किसी राजनीतिक गतिविधि से जुड़े व्यक्ति की मदद आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होने वाले है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों आलस व फिर सुस्ती हावी होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी अत्यंत ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनकी समस्या यश में बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके मूड में आ रहे बदलाव की वजह से आपको छोटी तकलीफ से भी बड़ी नज़र आ रही है। दोस्तों नकारात्मक विचार अधिक रहने की वजह से आप खुद को और दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं। पैसे संबंधित चिंता आपकी गलती की वजह से बढ़ेगी। किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी आपके बर्ताव के कारण हो सकती है, तो दोस्तों इस बात का भी यश में ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए शुभ होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह स्थिति काफ़ी संतोषजनक है। जो लोग आपके खिलाफ थे या समय वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी काफ़ी हद तक सुधार होगा। यश में सभी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों अगर किसी के साथ कोई जो है वायदा किया है तो दोस्तों यश में उसे अवश्य पूरा करें, नहीं तो दोस्तों समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है। कुछ लाभदायक मौके भी यश में आपके हाथ से निकलने की आशंका लग रही है। दिखावे की प्रवृत्ति से यश में आप दूर रहें, ये आपके लिए और आपके दिनचर्या के लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन संबंधी सभी बातों में यश में आपको संतुलन महसूस हो सकता है। दोस्तों यश में आपका सकारात्मक तरीके से आप जो भी वक्त बिताएंगे, भले ही यश में आप बड़ी प्रगति ना देख पाए, फिर भी दोस्तों मन जो है आपका यश में आनंदित रहने वाला है। दोस्तों किसी व्यक्ति या फिर मित्र की अचानक से मुलाकात होना आपको यश में आनंद दिला सकता है। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कुछ समय बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच भी अवश्य व्यतीत करें। दोस्तों उनके अनुभवों को आत्मसात करना आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत भी करा सकते हैं। दोस्तों यश में बच्चों की तरफ से भी संतोषजनक समाचार मिल सकते हैं, जिनसे आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में हल्की बल्कि जो है परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों इनके बावजूद आप जो है अधूरे काम को यश में संपन्न कर पाएंगे। सिर्फ दोस्तों तनाव को जो है आपको अपने ऊपर हावी न होने देना है और दोस्तों पारिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग भी यश में आपको चिंता मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि खुद के द्वारा लिए गए निर्णय को दूसरों को बता पाना या फिर दूसरों के द्वारा हो रही तकलीफ के योग मार्ग से प्रकट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों जिसकी वजह से जो है मानसिक तनाव बना रहेगा। दोस्तों किस व्यक्ति पर आपको विश्वास रखना चाहिए ये तय करना यश में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों यश में आप हो सके तो किसी पर ही विश्वास ना करें, खुद पर ही विश्वास करके अपने कार्यों पर जो है कार्य करें। आपको बता दें कि दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होंगे। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी इनके योग भी बन रहे हैं, परंतु दोस्तों यात्रा करते समय सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक होंगे। दोस्तों किसी बच्चे के प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में भी सफलता मिलने से घर का जो माहौल होगा खुशी भरा माहौल रहने वाले हैं। ध्यान रखें दोस्तों यश में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपके घर में सुख शांति भी भंग हो सकती है।
इसलिए दोस्तों घर के सदस्य जो है आपस में ही मिलजुल कर घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों पड़ोसियों के साथ किसी मतभेद से बचने के लिए जो है औपचारिक व्यवहार ही रखना आपके लिए यशमय ठीक रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अविवाहित लोगों के लिए यश में कुछ खास समय रह सकते हैं। विवाह के बारे में जो भी लिए गए प्रयत्न हैं आपको अचानक ही यश की प्राप्ति होगी। यदि आप जो रिलेशनशिप में हैं तो दोस्तों आपके रिलेशनशिप परिवार द्वारा मंजूरी मिलने की वजह से आपको यश में आनंद की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके समय होंगे। आपके करियर की अगर बात करें तो दोस्तों यश में जो है महिलाओं की वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या फिर डील होने की संभावना इसमें बन रही है। पेमेंट संबंधी लेन देन करते समय सावधानी बरतें। यह समय आपको जो है अपने व्यवसाय की एडवर्टाइजमेंट करने से फायदे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हो सके तो इन पर भी अगर आपका बजट है तो इन पर भी आप ध्यान इसमें दे सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि इसमें आपकी आर्थिक स्थिति जो है समान ही रहेगी। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाने से आपको जो है व्यवसाय गतिविधियों में कुछ रुकावटें भी आएंगी। इसमें दोस्तों कर्ज लेने की स्थिति भी बन रही है। दोस्तों इसमें आपके लिए समझेंगे, परंतु आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसे उधार लेना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों आप जितना हो सके उतना ही पैसे को उधार लें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, वर्तमान समय की वजह से अपने काम करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों अपने संपर्क सूत्र तथा मार्केटिंग संबंधी कार्य को मजबूत करने में ज़्यादा ऊर्जा लगाएं। यश में किसी भी नए काम में रिस्क ना लें, ये आपके यश में व्यवसाय के लिए बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी बड़ी कंपनी के साथ व्यवसायिक रूप से जुड़ने की जो नीति है यश में कामयाब रहेगी और सफलता भी यश में आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अपना टारगेट पूरा करने से आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों में आप अगर आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों जीवन साथी का सहयोग आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएगा। दोस्तों यश में परंतु यश में आपको भी अपने स्वभाव में और अधिक सकारात्मकता लाने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए आवश्यक होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण इसमें सुखद रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई संतोषजनक स्थिति रहने से आपको सुकून की भी प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि इसमें पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और दोस्तों इसमें पुराने दोस्तों से ज़्यादा मेल मिलाप रखना आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए इनसे आपको सावधान रहने की इसमें ज़रूरत होगी। और इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में यश में नज़दीकियाँ भी आने वाली है, परंतु विवाहेतर संबंधों से यश में दूर रहें, अन्यथा आपकी ही मान हानि हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों थकान की वजह से यश में सर्वाइकल या फिर कंधों में बदन में आपका दर्द हो सकता है, इसकी स्थिति बन रही है। पौष्टिक खान पान या फिर उचित आराम लेना आपके लिए यश में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। तो दोस्तों काम के साथ साथ जो है आप आराम भी जरूर करें। इसके उपरांत यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, तो आपको बता दें कि त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी की समस्या जो है जिसको है वह समस्या इसमें बढ़ सकती है। दोस्तों ठंड भरे वातावरण से अपना बचाव करें, ये आपके लिए इसमें स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा। बशर्ते दोस्तों मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन या फिर ध्यान में समय को व्यतीत करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और दोस्तों इसमें ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज के जो भी मरीज हैं वो अपना विशेष तौर पर अपना ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को इसमें खराब कर सकता है। और दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।